अलवर में धार्मिक भावना भड़काने के आरोपी की जमानत रद्द कराने की मांग को लेकर गुरमत प्रचार सेंटर के नेतृत्व में सिख समाज के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समिति के सदस्य ने बताया कि अलावड़ा निवासी एक युवक ने धार्मिक भावनाएं भड़काने की बात कही। उसने सिख धर्म गुरुओं के खिलाफ भी मनगढ़ंत बातें कही। इस पर उसे रामगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 और 265 में मुकदमा दर्ज किया गया। इन धाराओं में केंद्र या राज्य सरकार की मंजूरी से प्रसंज्ञान लिया जाता है। सरकार से मंजूरी नहीं लेने के कारण आरोपी को जमानत मिल गई। ज्ञापन में सिख समाज के लोगों ने प्रकरण में सरकार से मंजूरी लेकर जमानत रद्द कराने के लिए लोक अभियोजक को नियुक्त कर आरोपी की जमानत रद्द कराने की मांग की। मैं भूपेंद्र सिंह सरपंच, ग्राम पंचायत मुबारकपुर, और हम जो गुरमत प्रचार सेंटर अलवर के अंतर्गत पूरी जो है सिख बरादरी आई है, जो एक अलावड़ा में हमारे धर्म के खिलाफ नरेंद्र सोनी ने जो बहुत गलत बातें बोली हैं, उसके लिए हमने FIR लॉज करवाई थी। उसमें कुछ थानेदार साहब की तरफ से कमियां छोड़ दी गई हैं, जो दो धारा 195A और 195A के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें राज्य सरकार से स्वीकृति लेनी अति आवश्यक थी, जो SHO साहब ने नहीं दी। उसके लिए हम कलेक्टर साहब से मिलने जा रहे हैं और कलेक्टर साहब से हम मिलेंगे और उन चाहेंगे कि राज्य सरकार से स्वीकृति लें और जिससे ये जो आदमी को जमानत मिल गई है और शांति भंग ना हो, अमन शांति चैन रहे, और वो जो जमानत मिली है वो दोबारा आदमी बंद हो, क्योंकि वो आदमी शरारती है और उसने पहले भी जेल में रह चुका है 3 माह, और वो भड़काऊ भाषण वगैरह देता है, हमारे धर्म के खिलाफ बोलता है। इसलिए हम कलेक्टर साहब से मिलने जा रहे हैं, SP साहब से भी मिलेंगे, आगे जो अगला कार्रवाई होगी हाईकोर्ट लेवल तक भी करेंगे।